तो बेटा आज का पहला डिस्कशन सॉल्ट से शुरू हो रहा है। मैंने बताया 15 मार्क्स आप लेने जा रहे हो एटीपी के, तो कोशिश करना है कि मेरे साथ साथ करते चले जाएं। सबसे पहला सवाल क्या पैदा होगा कि सॉल्ट है क्या? तो बेटा आप ऑलरेडी एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, बेस की प्रॉपर्टी याद करना, अगर नहीं याद आ रहा तो कॉपी में देखो कि एसिड की जब आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो आपने क्या पढ़ा था कि एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। जाके देखिए, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, और एसिड जब मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने अपने होशो आवास में नोटिस किया, नोट किया होगा। तो इन तमाम तीनों रिएक्शन में एक प्रोडक्ट कॉमन चल रहा है, ली दैट इज सॉल्ट। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में जब एसिड ने मेटल से रिएक्ट किया, एसिड ने बेस से रिएक्ट किया, एसिड ने कार्बोनेट से रिएक्ट किया, सॉल्ट 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 लिखते आ रहे। तो व्हाट इज सॉल्ट बेटा? सॉल्ट को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द आयोनिक प्रोडक्ट। इसको मैं समझाने के थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर दूं। जब भी आप जान आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी एसिड जो हम पीछे पढ़कर आए हैं किससे रिएक्ट करता है, बेस से, तो आपने ये प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में लिखा हुआ है कि इट फॉर्म्स व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। तो हाउ डू वी डिफाइन सॉल्ट, सॉल्ट को डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि जब भी एसिड और बेस करेंगे रिएक्ट तो उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं, वाटर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज इसके अंदर बॉन्डिंग कोवेलेंट होती है। हाउएवर सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड, सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। तो बेटा अक्सर बच्चे गलती भी करते हैं क्योंकि सॉल्ट का डेफिनेशन कई दफा आता है एग्जाम में। बच्चा क्या करता है, वो इस डेफिनेशन को आधा यूज करता है सही। वो कहता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट सॉल्ट होगा। क्या प्रोडक्ट सिर्फ सॉल्ट है? नहीं। तो अगर आप इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट सॉल्ट होगा तो ये डेफिनेशन सही नहीं है, बल्कि आप यू डिफाइन करोगे कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन में जो आयोनिक प्रोडक्ट होगा वो सॉल्ट होगा, क्योंकि वाटर को भी तो एलिमिनेट करना है ना इस डेफिनेशन से। तो जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं एक्चुअली दो प्रोडक्ट बनते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो जब आप डिफाइन करते हो सॉल्ट को तो आप सॉल्ट को डिफाइन करते हो इस रिएक्शन के थ्रू कि जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन का जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट। इस डेफिनेशन का फायदा क्या होगा कि वाटर इसमें से एलिमिनेट हो गया डेफिनेशन में से। तो सॉल्ट को डिफाइन करना भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे सॉल्ट की प्रिपरेशन तक पढ़ लेते हैं लेकिन जब एक नंबर का सॉल्ट डेफिनेशन आता है वो सॉल्ट को डिफाइन करना नहीं आ रहा होता। तो सबसे पहले बेटा सॉल्ट की डेफिनेशन लिखें फिर आगे चलेंगे। एवरीबॉडी, सॉल्ट को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? यूजिंग द अबव इक्वेशन हम सॉल्ट को डिफाइन कर रहे हैं। द आयोनिक प्रोडक्ट बेटा लिखेंगे, बातें नहीं करनी है, द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट। सिंपल, ऊपर जो रिएक्शन मैंने लिखा है उसी रिएक्शन के थ्रू, अलीजे याद करना साथ साथ बेटा, उसी रिएक्शन के थ्रू ही हम सॉल्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड, हम पीछे पढ़कर आए HCl एसिड, H2SO4 एसिड, इथेनोइक एसिड जिसको विनेगर भी कहते हैं, मल्टीपल एसिड हमने पढ़े एग्जांपल में, मल्टीपल बेसिस पढ़े। तो जब कोई भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करेगा, मुस्तफा, यूसुफ, ताहा, बुशरा, तो बेटा उसके आयोनिक प्रोड्यूस रिएक्शन में जो आयोनिक प्रोडक्ट बनेगा राफिया, उसी को उस क्या कहेंगे बेटा? सॉल्ट। ये तो हो गई डेफिनेशन, बच्चों वाली थी, हमने समझा दी। और जो गलती करते हैं वो बता दी कि अगर आप सिर्फ ये लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस तो डेफिनेशन गलत है, आप लिखोगे आयोनिक प्रोडक्ट तो सही जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट दो हैं इसलिए यू नीड टू मेंशन कि सॉल्ट आयोनिक वाला है। ठीक हो गया, ये पहला हिस्सा हो गया। अब आ जाता है सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, जो असल में पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा इसको एक गो में करेंगे। और बेटा इसमें तुम लोग वैसे बड़े ही कोई ड्राई और नल्ले किस्म के, मुंह अल्लाह ने दिया है जबान भी दी है, फजूल बहुत चलाओगे, लेकिन जहां पर क्लास में बोलना है वहां नहीं बोल सकोगे। तो ये आप जितना इंटरेक्ट करोगे अभी मेरे साथ सॉल्युबिलिटी में उतना अच्छे से सर्टेनिटी से याद कर पाओगे, वरना प्रॉब्लम होगी, वरना कंफ्यूजन होती रहेगी। जो स्कूल स्कूल में पढ़ा हुआ है लेकिन भूल गए, क्यों भूल गए? क्योंकि उस वक्त भी मुंह बंद करके बैठे हुए थे। तो बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं पहले टॉपिक की, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो दिस मीन्स वाटर सॉल्युबिलिटी, कि कौन सा सॉल्ट पानी में डिजोल्व होगा और कौन सा नहीं होगा।
कौन सा सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होगा और कौन सा, हम पानी बार बार बोलेंगे नहीं, वी विल नॉट टॉक अबाउट वाटर, लेकिन अंडरस्टूड है कि हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो अब हमने सॉल्ट का पहला लर्निंग अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो अगला टॉपिक बड़ा आसान लगेगा तुम्हें, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या है। अब देखो हर बुक में, चाहे तुम कोई भी केमिस्ट्री की बुक पढ़ो, स्कूल पढ़ो, सब टीचर्स ने सॉल्युबिलिटी लिखवाई दी है। वॉट इज स्पेशल इन आर मेथड कि हम इसका जो सीक्वेंस अभी आपके सामने रखेंगे उस सीक्वेंस से शायद आप अच्छा विजुअलाइज कर पाए और आप सॉल्ट को अच्छे से कवर अप कर पाए। तो मैं यहां पर दो कॉलम्स ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, और इन दो कॉलम्स में एक तरफ हम लिख रहे हैं हेडिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स की और एक तरफ लिख रहे हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये मुश्किल टॉपिक्स हैं और नॉर्मली बच्चे इन्हीं में फंसते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि आपको बाहर वाले टॉपिक समझ आ जाएंगे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब मेरी बात को ध्यान सुनना है, अब कुछ लिखना नहीं है, मेरी बात सुननी है और मेरे साथ बोलना है। जब मैं आपसे रिक्वायर कर रहा हूं कि आप जवाब दें तो बोलें, डरे नहीं, गलत होगा लेकिन सीख जाएंगे क्योंकि अदरवाइज नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी, कौन से सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल हैं। सर उसके लिए कुछ रूल्स का सीक्वेंस, रूल्स तो बुक में लिखे हुए लेकिन वो रूल एक स्पेशल सीक्वेंस से पढ़ने से बड़ा फायदा होता है। पहला रूल, शुरू के तीन रूल जो मैं आपको देने लगा हूं, फर्स्ट थ्री रूल जो मैं आपको देने लगा हूं सॉल्युबिलिटी पे, वो उसको हमने नाम दे दिया है सुप्रीम रूल। सुप्रीम रूल का मतलब उससे ऊपर कोई नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। पहले तीन सीक्वेंस ये रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है वरना दिमाग फिर कंफ्यूज होगा कि पहले तीन रूल जो हम सॉल्युबिलिटी में लिखेंगे ये वो सॉल्ट्स हैं जो सुप्रीम रूल्स हम इनको कहते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती। कोई भी कंपाउंड पे वो रूल लगेगा तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आप बता पाओगे। रूल नंबर वन से शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चे, सॉल्ट कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट या आयोनिक। आयोनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब लिसन वेरी केयरफुली, पहला रूल बेटा बच्चा लिखना नहीं है किसी ने भी, एक साथ लिखेंगे, अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी सिर्फ आपने फोकस करना है कि मैं समझा क्या रहा हूं। मेरे बच्चे हर सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरे बच्चों रूल नंबर वन, ऑल सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम, तमाम सॉल्ट जिसके पॉजिटिव पार्ट में सोडियम आ रहा हो, पोटेशियम आ रहा हो, ये इस आयन को क्या कहते हैं, अमोनियम, NH4, NH3 इज अमोनिया, NH4 इज अमोनियम। मेरे बच्चे कोई भी सॉल्ट हो जिसका पॉजिटिव पार्ट या तो सोडियम हो या पोटेशियम हो या अमोनियम हो, सोडियम पोटेशियम अमोनियम। अब ये याद होगा क्योंकि बहुत दफा चलेगा, ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, सोडियम पोटेशियम अमोनियम, सोडियम पोटेशियम, सॉल्ट के दो पार्ट हैं। अगर किसी सॉल्ट में सोडियम पोटेशियम अमोनियम आ जाए बस वो सॉल्ट सॉल्युबल होगा हमेशा, दिस इज द सुप्रीम रूल, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं NH4 NH4 Cl। देखो ये केमिस्ट्री की ना बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग तुम करने जा रहे हो, एक टीचर देखता है ना वो बताता है ये सॉल्युबल होगा नहीं, ये डिसॉल्व नहीं होगा, उसके दिमाग में ये सारी चीजें हैं, इसलिए आप इसको इस एंगल से समझो कि तुम ये बता सकते हो किसी भी कंपाउंड को देखकर कि वो सॉल्युबल है या नहीं। जैसे एग्जांपल NH4Cl, अब आपने देखा यार NH4Cl चार्ज तो नहीं लिखा हुआ लेकिन अंधे नहीं हो ना, NH4 दिख रहा है ना इसके अंदर, NH4 दिख रहा है, तो सर ने क्या कहा कि जब किसी सॉल्ट में अमोनियम आ जाएगा, NH4 इज अमोनियम, वो हमेशा सॉल्युबल होगा। जब किसी सॉल्ट में सोडियम आ जाएगा वो हमेशा सॉल्युबल होगा, जब किसी सॉल्ट में पोटेशियम आ जाएगा वो हमेशा सॉल्युबल होगा, चाहे उसका सेकंड पार्ट कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव है, दिस इज सुप्रीम रूल नंबर वन। मेरे साथ बोलना, ऑल सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम अमोनियम, अमोनियम का ट्रायो चलता रहेगा, ऑल सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम सॉल्ट आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वॉटर। ये पॉजिटिव आयन है, जिस सॉल्ट में भी होंगे वो हमेशा सॉल्युबल होगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड रूल पे चले, पहला रूल सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ट्रायो पॉजिटिव पार्ट वाला। अब इसी तरह सेकेंड रूल जिस मैं आपको लिखने बताने जा रहा हूं दैट इज फॉर द नेगेटिव आयन, ये सॉल्ट पॉजिटिव आयन में तो चलो सोडियम पोटेशियम अमोनियम आ जाएगा तो वो हमेशा सॉल्युबल होगा, लेकिन अब आ जाता है रूल नंबर टू, वो भी सुप्रीम रूल है, उसकी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, एंड दैट इज, बेटा इतना कमाल की इंफॉर्मेशन है ना कि आप कहां कहां इस्तेमाल करेंगे आपको अभी पता भी नहीं है इस चीज का, ऑल
नाइट्रेट, नाइट्रेट के साइन को कहते हैं बेटा, अब याद करो ठीक है, तुम लोग पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हो तुम्हें बेसिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद नहीं होते। NO3- को नाइट्रेट कहा जाता है, NO3 को नाइट्रेट कहा जाता है, विच इज अ नेगेटिव आयन। तो बेटा जब किसी सॉल्ट के नेगेटिव आयन में नाइट्रेट आ जाएगा, या यूं छोड़ो नेगेटिव आयन, बस किसी सॉल्ट में NO3 आ जाएगा, वो भी हमेशा क्या होगा, सॉलिड। अगर आप इसको अलग अलग देख रहे हो तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ सॉल्ट Na, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम में से कोई भी हो, वो सॉल्ट हमेशा सॉल्युबल होगा। और अगर किसी सॉल्ट के नेगेटिव पार्ट में नाइट्रेट आ जाए, वो सॉल्ट भी हमेशा सॉल्युबल होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, दिस इज फर्स्ट थ्री रूल्स आर सुप्रीम रूल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये बात दिमाग को समझाओ ताकि वो रूल्स हमेशा याद रहे और बगैर घबराहट के आप रूल टिक कर सको। तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉरी, जितने भी नाइट्रेट्स, एग्जाम्पल मैं कहूं सिल्वर नाइट्रेट, आपने देखा सिल्वर का कोई रूल है क्या? नहीं है रूल, या तो सोडियम पोटासियम अमोनियम का या नाइट्रेट का, लेकिन आपको नजर आया इसके साथ NO3, दूसरा NO3 नजर आया, जैसे ही आपने NO3 देखा आपने कहा यार ये तो नाइट्रेट आ गया, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, तो बस ये सॉल्युबल है। मैंने कहा PbNO3 ट्वाइस, अब आपको पीबी का कोई रूल नहीं पता लेकिन नाइट्रेट, फिर NO3 से दोस्ती हो गई थी आपकी, नाइट्रेट आ रहा है, बस ये सॉल्युबल हो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस, तो आप क्या कहोगे, दिस सॉल्ट इज आल्सो सॉल्युबल, एनी सॉल्ट। फिर रिपीट करते हैं, दो रूल, नंबर वन रूल, सुप्रीम रूल नंबर वन, ऑल सोडियम पोटेशियम अमोनियम जो कि पॉजिटिव आयन है किसी भी सॉल्ट में आ जाए, द सॉल्ट विल ऑलवेज बी सॉल्युबल। नंबर टू द रूल फॉर द नेगेटिव आयन, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, जब भी किसी सॉल्ट में NO3 व्हिच इज नाइट्रेट आएगा वो सॉल्ट हमेशा सॉल्युबल होगा। तीसरा और आखिरी, जी ऑल का क्या मतलब, सुप्रीम का क्या मतलब, कुछ भी हो नाइट्रेट के साथ वो सॉल्युबल ही होगा बेटा, यही तो बता रहा हूं, यही तो, आपको सेकंड पार्ट को देखना ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द सुप्रीम रूल, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आगे ऊपर कोई डिसीजन नहीं है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये जो दो रूल्स आपको, ये यही तो ऑर्डर समझा रहा हूँ, बुक में ये ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर होने और ना होने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा, आपका दिमाग इसको इस तरह समझ पाए कि भाई शुरू के सर ने जो तीन रूल्स लिखवाए थे बस वो एक्सेप्शनल के एक्सेप्शंस के बगैर हैं, उसमें आपको बस अगर रूल याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं सॉल्ट सॉल्युबल है या नहीं है। सो ऑल सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, और तीसरा रूल ये मैं ऐड कर रहा हूं कि तीसरा रूल बुक में नहीं है, लेकिन यानी वो असल में बुक में इसलिए नहीं है कि वो सॉल्ट का रूल नहीं, लेकिन सॉल्युबिलिटी में काम आता है, इसलिए मैं यहां पर लिखवा देता हूं ताकि एक जगह रहे। और वो क्या है बेटा, तीसरा रूल, रूल नंबर थ्री, दैट इज एक्चुअली नॉट फॉर सॉल्ट्स, रादर इट इज फॉर एसिड्स, और ये मैं एसिड में बता चुका हूं कि ऑल एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल, एसिड कोई भी हो सारे एसिड सॉल्युबल हो। रूल नंबर थ्री व्हिच इज सुप्रीम, इट इज एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू सॉल्ट बट इट इज रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। तो याद रखिए एसिड को कैसे पहचानते हैं, उसमें एच आ रहा होता है, एसिड को आपने कैसे पहचानना है, अव्वल तो आपको एसिड की एग्जांपल याद होनी चाहिए, हमने एसिड में बार बार आपको कहा कि तीन चार एसिड है याद रखने, HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH, ये एसिड्स तो आपको याद रखने हैं आपके सिलेबस के एसिड हैं नाम के साथ, लेकिन मान लें आप इंतहाई नल्ले हैं, आप एक गधों के सरताज हैं, तो फिर भी जिस कंपाउंड में एच आ रहा होगा, एच से जो कंपाउंड स्टार्ट होगा, ऑल एसिड्स, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल, दिस इज दी सुप्रीम रूल नंबर थ्री, या यूं कह लीजिए एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप, एच आइन से। तो जहां पर भी हाइड्रोजन आइन, एच आइन, जैसे HCl, HNO3, H2CO3, समझ आ रही है बात, एच एसिड्स आर आइडेंटिफाइड विद द हाइड्रोजन, ठीक है, वैसे तो कॉमन एसिड ही आएगा, उसको भी पता है तुम कितने काबिल हो, कोई ऐसा कंपाउंड नहीं आ जाएगा जो तुमने कभी सुना ही नहीं है, हाँ वो अलग बात है कि पढ़ पढ़ के भूल गए हो, HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है जी, इसी तरह H2CO3 जो कॉमन एसिड्स हैं, H3, ये एग्जाम में आ चुका है, H3PO4, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट H3PO4 फॉस्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसी से मिलता जुलता ये H3PO4 है, विच इज एन एसिड, एंड ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल, बेस में ऐसा नहीं होता बट एसिड्स आर सॉल्युबल, ये एसिड में भी मैंने बताया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख देते हैं बेटा HCl, H2SO4, H3PO4, H2CO3, HNO3 एटसेट्रा,
बहुत सारे जितने भी एसिड्स हैं, इररिस्पेक्टिव के वो आपको अगर एग्जामिनर ने बता दिया कि ये एसिड है, भले स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्युबल और वीक सॉल्युबल नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इररिस्पेक्टिव के वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। विनेगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है? वीक है। पानी में डिजोल्व नहीं होता क्या? होता है ना भाई, ऐसा तो नहीं होता कि आप विनेगर सिरका पानी में डालो सारा नीचे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए दिमाग में ना एग्जाम में अजीब अजीब सी चीजें आती हैं और आप ऊट पटांग भंड मार देते हो। तो अक्सर एग्जामिनर आपको यूं कहेगा कि फला कंपाउंड इज अ वीक है। जैसे एक सवाल पेपर में आया है प्रोपेनोइक एसिड, जब हमने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, प्रोपेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड। अब उस पर सॉलिबिलिटी आपसे अगर पूछी हुई है, आप बोलते हैं आप पता नहीं कौन सा एसिड है, और अच्छा वीक है तो शायद सॉलिबल नहीं होगा। तो भाई यही इसीलिए बता रहा हूँ कि ऑल एसिड आर सॉलिबल। अब तीन सुप्रीम रूल्स को दिमाग में पक्का कर लो। क्या कहा मैंने? जब सॉलिबिलिटी आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की नॉलेज समझ के पढ़ो इस चीज को, कि बेटा सॉलिबिलिटी के ट्रेंड में तीन फर्स्ट सुप्रीम रूल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या है? नंबर वन, ऑल सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम आयन कंटेनिंग सॉल्ट आर सॉलिबल, ऑलवेज सॉलिबल। नंबर टू, ऑल नाइट्रेट एज अ नेगेटिव आयन NO3 कंटेनिंग सॉल्ट आर ऑलवेज सॉलिबल। नंबर थ्री, ऑल एसिड्स आर ऑलवेज सॉलिबल। ठीक हो गया, ये तीन रूल है, कोई एक्सेप्शन। अब इसके बाद जो मैं तुम्हें दो रूल बताने लगा हूं, टोटल पांच रूल्स हैं, इन दो रूल्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन और उन एक्सेप्शंस में ही एग्जामिनर आपको फंसाता है और वो एक्सेप्शंस आप बार बार भूल भी जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन अब आपका दिमाग इसको ऐसे ट्रेस कर रहा है कि पहले तीन में से कोई रूल आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगले दो में से आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टिल यू नीड टू पुट मोर एनर्जी, कि आप जितना बोलोगे, दिमाग को समझाओगे, दिमाग को अपनी आवाज में सुनाओगे, उतना दिमाग पिकअप कर पाएगा। इवन कि अभी मैं तुम्हें ड्रिल कराऊंगा, उस ड्रिल में भी जब आप रूल बोलकर मुझे आंसर बताओगे तो आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और डायरेक्ट बताने की कोशिश करोगे तो भंड भी मार सकते हो। भाई किसका माइक खुला हुआ है? प्लीज इसका माइक खुला है बंद रखें। बुशरा आपका माइक खुला हुआ है मेरे ख्याल है। बुशरा, If you want to ask anything, please may you may ask, लेकिन ऐसे छोड़ो नहीं खोल के भाई। ठीक हो गया, ये तीन आ गए बेटा सुप्रीम रूल्स। ठीक हो गया, एक बार और रिपीट करते हैं, क्या रूल्स हैं भाई, एक बार कोरस में हो जाए जरा। नंबर वन, ऑल सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट आर सॉल्युबल। नंबर टू, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। नंबर थ्री, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल। दीज ऑल रूल्स डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शन। नाउ रूल नंबर फोर, ऑब्वियसली विद एक्सेप्शन आने वाले हैं ये रूल। ठीक है, रूल नंबर फोर की तरफ जाते हैं, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि याद रहे बेटा बच्चा। रूल नंबर फोर क्या है? रूल नंबर फोर है सल्फेट्स का। इसका सल्फेट, व्हाट आर सल्फेट्स? सल्फेट्स आर SO4-2। ये इतनी दफा स्कूल में टीचर के साथ तुम सुन चुके हो, लेकिन अब तक तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। सल्फेट कहते हैं SO4-2 को। दिस इज द टाइम अमोनियम पता होना चाहिए। व्हाट इज अमोनियम? NH4। व्हाट इज नाइट्रेट? NO3। व्हाट इज सल्फेट? SO4। व्हाट इज कार्बोनेट? CO3। तो ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, यानी जब मैंने ये लिखा कि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम आर सॉल्युबल, क्योंकि अब मैं इसकी एक्सेप्शन लिखने वाला हूं। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट देखो, एक्सेप्शन में सामने वाले कॉलम में लिख रहा हूं इनसॉल्युबल। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट का बा पप्पू। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट का बा पप्पू। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट का बा पप्पू, यानी कैल्शियम का सल्फेट, बैरियम का सल्फेट। एक एलिमेंट बेरियम है, एक बेरिलियम है, एक बी ए है, एक बी ई है। यहां क्या लिखा है? बी ए। एग्जामिनर इतना खबीस होता है वो बी ई देता है, क्योंकि बच्चा तो डर डर के गया, रट्टे लगा के गया है बस। तो इसलिए का बा है, ताकि बा से याद रहे कि बी नहीं खाई। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू। काबा पप्पू में का है कैल्शियम सी ए, बा है बेरियम, एंड पप्पू में पी बी है लेड। पप्पू पहले भी आया था इम्पोर्टेरिक में मेरे बच्चे। काबा पप्पू का मतलब कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट। ये क्या कहा सर अलीजा? ये तमाम सल्फेट सॉल्युबल होते हैं कि इनसॉल्युबल होते हैं? सारे सॉल्युबल ही होते हैं, ज्यादातर रूल सॉल्युबल पे ही लगेगा। मैं कहूं बताओ मैग्नीशियम सल्फेट, तो आप क्या देखो, मैं पूछू मैग्नीशियम सल्फेट, आप बोलो मैग्नीशियम का कोई रूल नहीं था लेकिन सल्फेट का रूल था। रिकॉल करो, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू। क्या काबा पप्पू में मैग्नीशियम आ रहा है? तो भाई इसका मतलब है सॉल्युबल होगा।
थोड़ा टाइम लो, मैं कहूं एल्यूमिनियम सल्फेट, आप कहो एल्यूमिनियम का कोई रूल नहीं था, सल्फेट का रूल था, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, काबा पप्पू में एल्यूमिनियम भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है सॉल्युबल होगा। मैं कहूं बेरिलियम सल्फेट, आप कहो ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, बा नहीं आ रहा, बे आ रहा है, ये भी सॉल्युबल होगा। अब मैं कहूं कैल्शियम सल्फेट, आप कहें सल्फेट का रूल ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट का, ओ का को मतलब सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू यानी कैल्शियम, बेरियम और लेड का सल्फेट। इसको ऐसे ही याद रखना है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनने की जरूरत नहीं है, भूल जाओगे ये क्या होगा। काबा भी ऐसे ही याद रखेंगे और पप्पू भाई को भी याद रखना है, ठीक हो गया, इज दैट क्लियर। तो अब मैं तुमसे थोड़ी देर बाद ड्रिल भी कराऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि दिमाग में बत्ती जल गई होगी कि सल्फेट्स जनरली सॉल्युबल हुए। मैं कहूँ सोडियम सल्फेट सॉल्युबल इनसॉल्युबल है, सोडियम बोलते ही आप सल्फेट तक आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल सोडियम सुप्रीम रूल, ऑल सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर सॉल्युबल, सोडियम सल्फेट सॉल्युबल, पोटेशियम सल्फेट सॉल्युबल, हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्युबल, सिल्वर सल्फेट सिल्वर, क्यों नहीं भाई, काबा पप्पू के अलावा सारे क्या है सॉल्युबल है, सिल्वर सल्फेट इज ऑल्सो सॉल्युबल। आ जाओ रूल नंबर फाइव, आखिरी रूल, आखिरी रूल, रूल नंबर फाइव सॉल्युबिलिटी में से, भाई समझ आ रहा है भाई, राम वाहिदी बेटा, रूल नंबर पांच आ गया, ऑल हैलाइड्स पीरियोडिक टेबल ग्रुप सेवन, हैलाइड, हैलाइड किसे कहते हैं, ग्रुप सेवन के एलिमेंट को, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, हैलाइड्स को कहते हैं, ग्रुप सेवन के जो एलिमेंट्स हैं, क्लोराइड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये हैलाइड्स कहलाते हैं, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल बेटा, एक्सेप्ट मेरी जान, एक्सेप्ट आगा पप्पू, काबा पप्पू आगा पप्पू, काबा पप्पू आगा पप्पू, पप्पू दोनों में कॉमन है, हर चलो पहले बड़ा अक्षर पढ़ा हुआ तुमने, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, आगा पप्पू का मतलब सिल्वर का क्लोराइड होगा इनसॉल्युबल, सिल्वर का आयोडाइड होगा, एजी इज सिल्वर, आगा जिसको हम कह रहे हैं आगा, इसलिए ना कि सिंबल याद रहे एजी, ठीक है ना, तो सिल्वर है ये, तो एक्सेप्ट आगा पप्पू का मतलब कि अगर मैं तुमसे कहूं सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल, मैं तुमसे कहूं लेड क्लोराइड लेड ब्रोमाइड लेड आयोडाइड इनसॉल्युबल, अब पता गड़बड़ क्या होती है, बच्चे जब इस तरह से, ये तो एक फनी तरीका होगा ना याद करने का, इस तरह याद रहेगा, नॉर्मली क्या होता है बच्चे ने एक्सेप्शन देखी भी होती है, रिवाइज हुआ हुआ नहीं होता, अब उसे याद आता है सिल्वर एक्सेप्शन तो थी, वो ये भूल जाता है कम वक्त मारा कि सिल्वर इधर एक्सेप्शन थी कि उधर एक्सेप्शन थी, उसको बस ये याद रह जाता है कि सिल्वर एक्सेप्शन में लिखा था, तो अब मुझे बताओ सिल्वर का सल्फेट आएगा, समझो से बेटा देखना, सिल्वर का सल्फेट आएगा तो क्या वो इनसॉल्युबल होगा, वो तो सॉल्युबल होगा, सिल्वर का आयोडाइड आएगा तो इनसॉल्युबल होगा, सिल्वर का क्लोराइड आएगा तो इनसॉल्युबल होगा, इसी तरह बच्चे को याद रहता है कि लेड एक्सेप्शन थी, वो बेगैरत लेड नाइट्रेट को भी इनसॉल्युबल लिख के आ जाता है, वो भूल जाता है कि नाइट्रेट वाले सारे सॉल्ट क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं, तो जो ये हम डिविजन कर रहे हैं ना कि सुप्रीम रूल, अब अगर इसमें आप कच्चर हैं फिर अलग बात है, तो पहले तीन रूल, नंबर वन ऑल सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट आर ऑलवेज सॉल्युबल चाहे उसका सेकंड पार्ट कुछ भी हो, ऑल नाइट्रेट्स आर ऑलवेज सॉल्युबल चाहे उसका सेकंड पार्ट कुछ भी हो, पप्पू हो या टप्पू हो, ठीक है जी, इसी तरह ऑल एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल, ये तीन हो गए सुप्रीम रूल, फिर आ गया सल्फेट का रूल, बोलना क्या रूल है, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू एंड ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, तो किसकी हैलाइड सॉल्युबल नहीं है, सिल्वर की, और हैलाइड का मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड को हम इन जनरल हैलाइड कहते हैं, तो सिल्वर और लेड, अच्छा मजे की बात है लेड दोनों में एक्सेप्ट है, लेड का सल्फेट भी सॉल्युबल नहीं है और लेड का क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड भी सॉल्युबल नहीं है, अच्छा इसमें एग्जामिनर और गेम करता है आपसे, एग्जामिनर क्या करता है आपसे बोलता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड मुझे बताइए कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल होगा इनसॉल्युबल होगा, अगेन आपको जहन में होता है कैल्शियम एक्सेप्शन है, लेकिन आपके जहन को कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि कैल्शियम एक्सेप्शन कहां पर था भाई, कैल्शियम का क्या इनसॉल्युबल है सल्फेट,
लेकिन कैल्शियम का हैलाइड तो इनसॉल्युबल नहीं होता, तो कैल्शियम क्लोराइड अगर मैं बोलूं तो दैट शुड बी सॉल्युबल। देखो कि डायरेक्ट मैथ तो पढ़ा रहा हूं, कर लूंगा, आप ज्यादा अकलमंद नहीं बनिएगा, आप रूल को रिकॉल कीजिएगा ताकि एक दफा में सही, एक चांस मिलेगा सही करने का। मसलन मैंने आपसे कहा, अभी मैं रिटर्न में भी कराऊंगा, अभी बबली इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको मैं पैटर्न समझा सकूं कि आंसर करना कैसे, दिमाग को थोड़ा टाइम देना है वरना गलती होगी। मैं कहता हूं लेट्स से टिन क्लोराइड या टिन आयोडाइड। अब आप कहोगे टिन सॉल्युबल है इनसॉल्युबल, आप कहोगे टिन का कोई रूल नहीं था, हाँ आयोडाइड का रूल था हैलाइड में, ऑल हैलाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू में टिन नहीं आता, यानी कि सॉल्युबल होगा। इतना थोड़ा पैटर्नाइज करोगे ना तो गलती नहीं करोगे। आपसे कहा मैंने बैरियम, बैरियम बी ए, बैरियम, बैरियम नाइट्रेट, अब आपने क्या कहा बैरियम एक्सेप्शन में था लेकिन किसके, सल्फेट के, नाइट्रेट सुप्रीम रूल का है और नाइट्रेट जब किसी चीज के साथ होता है वो हमेशा सॉल्युबल होता है। अगला मैंने कहा FeSO4 आयरन सल्फेट, FeSO4, आपने कहा आयरन का कोई रूल नहीं था सल्फेट का था, ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू में आयरन नहीं आता तो ये सॉल्युबल होगा। सही है जी। मैं आपसे पूछता हूँ उस्मान रशीद के भाई, तुम्हारा नाम क्या है भाई, उस्मान रशीद याद रह गया मुझे, जावियर। अबे यार ये जेड वालों ने इतना कंफ्यूज किया हुआ है, वी हैव जरियाब, वी हैव जावियर, वी हैव सिमल, वी हैव जयान, दिमाग का मेरा दही हो गया है, और इसमें आधे लड़के और आधे लड़कियां हैं, ये भी नहीं कि सारे मेल ही हों। जरियाब ओ जयान जो है वो एक लड़की है, सही कह रहा हूँ, मैं इसी सेशन के बच्चे हैं मेरे, इधर उधर तो मैं बिल्कुल, ये तुमने दीवाना कर दिया भाई, क्या नाम रख दिया भाई, अली रघु नहीं सारे, अब इसका कंफ्यूजन नहीं होती, अली 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 सही, अली का नाम भी आ जाता है और नाम याद भी आता है, अली अली अली, किसका अहमद, ये ऐसे नाम क्यों नहीं रख रहे, क्या जरिया, ये कहाँ से ला रहे हैं, एक इन्होंने पत्नी आ गई है, क्या है हानिया, हानी, और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है उम्मे हानी, वो हानी है तुम उम्मे हानी हो, यानी तुम इसकी माँ हो, उम्मे हानी का मतलब कहे तौबा तौबा कहे। अच्छा ऐसा भाई बैक टू डिस्कशन, नामों से वापस आ जाते हैं, नामों से वापस आ जाते हैं मेरे बच्चे, पांच रूल्स हैं एक बार फिर रिपीट करते हैं, और अब मैं रिटन में जिसका नाम लेके पूछूंगा उसके ऊपर ये बारियां लगेंगी, आप सबकी बारी आएगी, आपको एक कंपाउंड के बारे में एक गो में बताना है कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल, ठीक है जी। तो रूल रिपीट कर लेते हैं, फर्स्ट थ्री सुप्रीम रूल, नंबर वन ऑल सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट आर सॉल्युबल, नंबर टू ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, नंबर थ्री ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल, एसिड्स आर आइडेंटिफाइड बाय एच, ठीक है। थर्ड उसके बाद रोल नंबर फोर, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू एंड ऑल नाइट, अबे कर लिया ना नाइट्रेट वाला, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, देर से जा गए, चले जी। अब स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर याहिया, अब देखो ये भी नाम है याहिया, सिंपल सिंपल नाम है, क्या आदमी जरिया, और कोई और लेटर नहीं मिला, असल में आजकल है ना हमारे यहाँ यूनिक नाम रखें, यूनिक, चलो भाई रखो भाई यूनिक। अच्छा भाई स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर याया, भाई एक चांस मिलेगा याया, अगर गलत हुआ ना तो अपने आप को खुद ही चपेट लगा ले, ठीक है, और आपको 3 से 4 सेकंड के अंदर जवाब देना है, क्योंकि एमसीक्यू में आता है आपको जल्दी जल्दी पकड़ना होता है, लेकिन गलत नहीं देना कोशिश करो। चलो तो याया से स्टार्ट कर रहे हैं, याया ओके, जिंक सल्फेट कह रहे हैं या सॉल्युबल है, क्या कहते हैं साइम, सही है, हाँ क्यों, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू एंड दिस इज नॉट इन एक्सेप्शन, तो यस इट इज सॉल्युबल, ठीक हो गया, वेरी गुड। फिर आ गया ऑल द वे हम अलीजे अशरफ पे, क्या नाम है तुम्हारा, अलीजे नदीम, समझो, अच्छा समझो भाई जी, ये बताइए कि व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड मिस अलीजा समेजो चांडियो, ये बताइएगा कि कॉपर क्लोराइड के बारे में क्या ख्याल है, कॉपर, कॉपर क्लोराइड CuCl2, हाँ जी सॉल्युबल है नहीं है ना, कैसे कैसे डिसाइड किया, जरा रूल को रिलेट करें, मैं क्या क्या कह सकता हूँ, रूल कॉपर का कोई रूल है, क्लोराइड का रूल है,
वो हेलाइड का रूल है ना, हेलाइड। अब बताइए रूल के लिहाज से बताइए, ऑल हेलाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा बक्को, जिसमें ये नहीं आ रहा, यानी ये क्या होगा? अभी मैंने कहा कि भाई ज्यादा जल्दबाजी नहीं करो, समझो रूल को रिकॉल करो। ओके मिस्टर क्या नाम तुम्हारा, अरीब, ये भी सही नाम है, अरीब। अरीब आपके लिए आ गए, अरीब। ओके अरीब, अच्छा सवाल आया मेरे दिमाग में। बेरियम आयोडाइड, बेरियम बी ए एक्सेप्शन, देख के नहीं बताना नल्ले है, बेरियम एक्सेप्शन नहीं होती, सल्फेट में एक्सेप्शन होती है, आयोडाइड में नहीं होती। ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा बक्को, और आगा बक्को में बेरियम नहीं आता, इसका मतलब ये सॉल्युबल है। ठीक है जी, ओके। मनाहल कुरैशी, मिस्टर अवेस कुरैशी के रिश्तेदार, मनाहल, तवज्जो से बेटा तवज्जो, WCl3 जी, क्या है छोड़ दो, सॉल्युबल इनसॉल्युबल बताओ, सॉल्युबल है कैसे, रूल नहीं लग रहा, क्लोराइड का रूल नहीं लग रहा इसमें, आगा पप्पू में नहीं है तो ये सॉल्युबल है, दिस इज टंगस्टन क्लोराइड, दिस इज टंगस्टन क्लोराइड, ऑब्वियसली इट इज सॉल्युबल बिकॉज ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। अली हुडी वाले, अच्छा दोनों ने हुडी पहनी, अली सफेद हुडी वाले, ठीक है, क्रीम हुडी वाले, या तुम आधे घंटे से 2 रुपए वाली बबल चबा रहे हो, बस कर लो, इधर तवज्जो रखो बेटा। अगला आपसे पूछा है और बड़ा प्यारा सवाल आपकी मोहब्बत में जहन में आया है, PBBr2, अली PBBr2, आर यू श्योर, देख लो, हाँ भाई हानी या उम्मे, सॉरी क्या, हाँ उम्मे हानी जी, सॉल्युबल, ये कह रहे हैं सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है। अब मैं गाड़ी रिवर्स करूंगा, पीछे कर चढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर, सॉल्युबल इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है भाई, ऑल क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, एंड दैट्स पप्पू फॉर यू भाई, लेड इज पप्पू एंड पप्पू इज इनसॉल्युबल भाई, ब्रोमाइड ब्रोमाइड हैलाइड का रूल लग रहा है ना इसमें, ऑल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, तो आगा पप्पू में पप्पू आ गया ना, पप्पू भाई साहब, तो उस बच्चे ने सही बताया था, ठीक है, और वो कमीना तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था। चलो तुम्हारे कमीने, तुम्हारी बारी आ गई, ठीक है, हाँ भाई अरहम वाहिदी दी कमीना, ये बताओ अरहम, ये बताओ ये बेरियम बेरियम आयोडाइड सॉल्युबल इनसॉल्युबल, बेरियम है बेरियम, हाँ बेरियम आयोडाइड, यस सॉल्युबल, बेरियम आयोडाइड इज सॉल्युबल, क्यों, क्योंकि ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, और आगा पप्पू में बेरियम नहीं आता, तो बिल्कुल ये क्या है, सॉल्युबल है। ओके नेक्स्ट मिस्टर अहमद, अहमद अली अबानी, अहमद अली अबानी, बताओ कि ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 व्हाट डू यू सजेस्ट सॉल्युबल, व्हाई, सोडियम आ गया है, बच्चे ने बगैर पलक झपकाए जो है आंसर कर दिया। ओके बुशरा, बुशरा वर्ज, बुशरा वर्ज, तुमने वर्ज ब्रैकेट में क्यों लिखा भाई, बुशरा अगर तुम जिंदा सलामत हो तो पावर पफ गर्ल जरा जवाब देना बेटा, व्हाट अबाउट सिल्वर आयोडाइड, बुशरा वर्ज, सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल कह रही है बुशरा, राफिया क्या कह रही है, राफिया है व्हाई, राफिया इनसॉल्युबल कैसे, All halides are soluble except aga pappu and this is in the exception. Very good Bushra, आप सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन जीत चुकी हैं, जो दे रहा है उसे ले लिया, तो all iodides, chloride, bromide, iodides are soluble except aga and that's aga for you. ठीक है जी, ओके ऑनलाइन में से निकम्मा और कौन है, मुस्तफा, मुस्तफा अरशद,
मुस्तफा अरशद, ईमान अरशद के भाई साहब, जरा जागो, मुझे बताना, जी वट सर। अबाउट AgNO3? जी सर सॉल्यूबल है। सॉल्युबल कह रहे हैं फरिया, व्हाट डू यू थिंक? सॉल्युबल है, देख लो। व्हाई सॉल्युबल बेटा, नाइट्रेट व्हाई सॉल्युबल? शाबाश, NO3 है भाई, और NO3 नाइट्रेट। यस दैट इज सॉल्युबल बिकॉज दैट इज फ्रॉम द सुप्रीम रूल। अब आ जाती है बारी हमारे डियर गेस्ट की, जो कि हमारी क्लास में मौजूद है, माशाल्लाह, मोहतरम हानी। हानी आप जरा ये बताना बेटा, मैं आपके सामने रख रहा हूं कंपाउंड आपकी मोहब्बत में, H2CO3 सॉल्युबल है, क्यों है? H2 आने से क्या हुआ? मैं सॉल्युबल है, माफ करा जाए। अरे कोई रीजन भी तो होगा दिमाग में जी। जरियाब एसिड है भाई, उम्मीद दी थी मुझे तुम जवाब दे पाओगे, लेकिन बहरहाल H2CO3 इज अ कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक में डाला हुआ होता है, एंड यस बिकॉज इट्स एसिड इट्स सॉल्युबल। ठीक हो गया, तुम्हारी किसकी बारी नहीं आई? मिस्टर अली, काली हुडी वाले अली, काली हुडी वाले अली, ये बताओ, अल्लाह आपका भला करे, ये बताओ कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ता, कैल्शियम क्लोराइड ता, अली वो वाले, काली हुडी वाले यार, काली हुडी थोड़ी, क्या कलर ब्लाइंड हो गया जी? सॉल्युबल कैसे, कैसे, हाउ हाउ यू प्रोसेस के ये सॉल्युबल है? हाँ वो तुम्हें लुक में दे रहा है जी। अली खिजर सॉल्युबल क्यों है? बिकॉज इट्स हैलाइड एंड ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, कैल्शियम इज नॉट एन एक्सेप्शन विद क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड, इट इज एन एक्सेप्शन विद सल्फेट। तो यस इट इज सॉल्युबल। ताहा हसन, ताहा, ओ ताहा, जरा जाग जाओ बेटा। बेटा ये बता मेरे बच्चे कि व्हाट अबाउट सिल्वर क्लोराइड? ताहा हसन, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, नॉन ऑनलाइन वालों इनसॉल्युबल, सवाल पूछने ऐसे जैसे अमिताभ करोड़पति पे कंप्यूटर कहता है आंसर बताइए सही, कंप्यूटर ढूंढ के बदले इनसॉल्युबल, देगा जी। बेटा सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इट इनसॉल्युबल, इज, आप कह रहे हैं सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। ताहा रूल का रेफरेंस दे दीजिए, कैसे डिसाइड हुआ है इनसॉल्युबल? हैलाइड
वाले बच्चों को आवाज आ रही है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है? ओके बेटा, हम आ रहे हैं इनसॉल्युबल वाली साइड पर बच्चों, बैक ऑनलाइन अगेन। अब आ रहे हैं इनसॉल्युबल वाली साइड पे बेटा, इनसॉल्युबल वाली साइड पे। रूल के नंबर्स याद करो, नंबर से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम इसको नहीं कर रहे। पांच रूल हो गए, दो रह गए, दोनों इनसॉल्युबल वाली साइड पे। रूल नंबर वन, अच्छा मैंने क्या कहा, दोनों विदाउट एक्सेप्शन नहीं है, सुप्रीम नहीं है, ठीक है। रूल रूल नंबर वन, ऑल कार्बोनेट्स, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। ऑल कार्बोनेट, देखो ये इनसॉल्युबल, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम। तमाम कार्बोनेट्स बेटा इनसॉल्युबल होते हैं, सिवाय अगर उनके साथ क्या हो, सोडियम पोटेशियम अमोनियम, क्योंकि वो टकरा रहे हैं सुप्रीम के साथ। क्या कहा मैंने, तमाम के तमाम कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं, सॉरी इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट कि जो टकराएं सोडियम से, पोटेशियम से, अमोनियम से या एच आयन से, क्योंकि एसिड में भी होता है। दोबारा सुनना, ऑल ऑल कार्बोनेट सीओ थ्री जिस सॉल्ट में आ जाएगा वो इनसॉल्युबल ही होगा, सिवाय अगर वो सुप्रीम रूल वाले आयन से टकरा जाए, विचार सोडियम पोटेशियम अमोनियम एंड एसिड के लिए हाइड्रोजन। तो ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू कैल्शियम कार्बोनेट, आपने देखा यार कार्बोनेट आ रहा है इनसॉल्युबल। आप मैंने कहा मैग्नीशियम कार्बोनेट, आपने कहा कार्बोनेट आ रहा है इनसॉल्युबल। मैंने कहा Al2CO3 राइस एल्यूमिनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट आ रहा है इनसॉल्युबल। लेकिन मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट, आप सोडियम को देखोगे जो कि सुप्रीम आयन है, सॉल्युबल होगा। मैं कहूं अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम आ रहा है, किस कोई एक्सेप्शन को कदर नहीं करता, सॉल्युबल होगा। मैं कहूं H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो इन जनरल अदर देन दी सुप्रीम आयंस ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं कहूं कॉपर कार्बोनेट, व्हाट अबाउट कॉपर कार्बोनेट, इनसॉल्युबल। सिल्वर कार्बोनेट इनसॉल्युबल, लेड कार्बोनेट insoluble, all these carbonates are insoluble because all carbonates are insoluble सिवाय supreme ions वाले carbonates के। That's it, is that clear? ये आ गया आपका insoluble वाले chart का rule number one, और आ गया अब last rule, आ गया rule number two। जैसा कि मैं तुम लोगों को कहा था कि मैंने acid को भी solubility में इसलिए डाला ताकि एक साथ solubility cover हो जाए, इसी तरह बेटा rule number last आता है basis का, और ये भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। बेसिस सॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल होती है, बेसिस सारी की सारी इनसॉल्युबल होती है सिवाय सोडियम पोटेशियम और अमोनियम की। बेसिस सोडियम पोटेशियम और अमोनियम, ये वही आयंस हैं, वही ट्रायो है जो बार बार चल रहा है तमाम की। अच्छा बेसिस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो ये भी समझ लो, कि मैंने तुम लोग को बेसिस पढ़ाते हुए बताया था कि आप ये तो रट लेते हो बेसिस बेसिस, आपको पता कैसे चलेगा बेस है। बेटा बेसिस आर आइडेंटिफाइड, मैं बताता हूं, बेसिस आर आइडेंटिफाइड, किसी को याद है, विद मेटल के साथ ओ या मेटल के साथ ओ एच। नॉर्मली आपको ओ एच वाली बात तो पता होती है, ओ वाली बात नहीं पता होती, और इस वजह से आप बेसिस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब मेटल के साथ ओ या ओ एच आ जाए तो ये क्या हो, ओ एच वाली बात तो आपको पता है, लेकिन ओ वाली बात मैं उस दिन से बता रहा हूं जब से बेस पढ़ा रहा हूं, कि ओ वाले मेटल के साथ ओ भी बेस ही होता है। तो आप क्या रूल है बेटा, ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल, ऑल बेसिस आर बोलो इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, बोलो बेटा एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम का बेस, यानी ये जो सुप्रीम आयन है अगर इनके साथ ओ एच या ओ आ जाएगा तो वो तो सॉल्युबल होगा, वरना कोई भी बेस हो, फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, ऑल बेसिस। और बेसिस के लिए मैंने आगे लिखा है कि आपको पता कैसे चलेगा ये बेस है, तो आप एलिमेंट मेटल के साथ ओ या ओ एच लगा हुआ देखेंगे, ओ या ओ एच, खासतौर पर ओ में याद रखना, ओ एच तो याद आ जाता है कि बेस है, ठीक
ठीक है ना, लेकिन ओ में गड़बड़ कर जाते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड काफी दफा आ चुका है इस तरह से। तो जब किसी मेटल के साथ ओ लगा होगा या ओ एच लगा होगा तो इन जनरल वो इनसॉल्युबल ही होता है, सिवाय सुप्रीम आइंस के कंपाउंड के, विच आर सोडियम पोटासियम एंड अमोनियम। दैट्स इट फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी चार्ट। अब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और अब मैं एक लिस्ट 4 5 6 8 10 कंपाउंड्स की लिखता हूं और फिर देखते हैं कि हम जल्दी से पिक कर पाते हैं सॉल्युबल इनसॉल्युबल या नहीं। अब ये टोटल 7 रूल हो गए, एक बार रिपीट कर लें। क्या कहा, सॉल्युबिलिटी वाले चार्ट पे कितने रूल है, सॉल्युबल वाली साइड पे 5 रूल्स और इनसॉल्युबल वाली साइड पे 2 रूल्स। सॉल्युबिलिटी वाले के 5 क्या है, ऑल सोडियम पोटासियम अमोनियम आयंस आर सॉल्युबल सुप्रीम रूल, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल सुप्रीम रूल, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल सुप्रीम रूल, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, ऑल हैलाइड्स यानी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। ये हो गया सॉल्युबिलिटी वाला पूरा। फिर इनसॉल्युबल में 2 रूल, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सुप्रीम आयंस सोडियम पोटासियम अमोनियम हाइड्रोजन। इसी तरह ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम पोटासियम अमोनियम, बेसिस आर आइडेंटिफाइड बाय OH और O। इज दैट क्लियर, ये नोट डाउन अब तुम चाहो तो कर लो, कोशिश करो बगैर देखे नोट कर लिया गया तुम लोगों ने, माशाल्लाह भीड़ हो तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि आप बगैर देखे नोट करें ताकि आपको और पक्का हो जाए। अब आते हैं इसकी ड्रिल करते हैं छोटी सी, ठीक है। मैं लिस्ट बना लूं और फिर मैं उस लिस्ट में जो कंपाउंड आपसे पूछूंगा वो आपने मुझे बताना है। चलिए लिस्ट आपके सामने बच्चों, ट्राई टू फोकस, स्टार्ट करते हैं बेटा पहले से, ठीक है, मिलके करेंगे। सर मुबीन से फट्टा हो गया, बिल्डिंग गिराने आ गया लगता है, डीएचए वाले आ गए बिल्डिंग गिराने। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, अब ये सॉल्ट आ गए, अब एक-एक करके शुरू करते हैं बेटा। लेड सल्फेट पहला कंपाउंड PbSO4, आप रूल रिपीट करते हैं सल्फेट का रूल, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू एंड दैट्स पप्पू, दैट इज व्हाई इट इज इनसॉल्युबल। अगला आ जाए, आप कहते हैं ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम अमोनियम, जो कि नहीं है, इट मींस अगेन दिस इज इनसॉल्युबल। फिर आ गए आप सिल्वर आयोडाइड, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू एंड दैट्स आगा, दैट्स आल्सो इनसॉल्युबल। फिर आप आ गए ऑल सोडियम, देखा जी बेटा व्हाई, कार्बोनेट है ना बेटा, ठीक है। फिर आ गए आप सोडियम, सोडियम पर जैसी नजर पड़ी कि आपने क्या कहा सॉल्युबल है। फिर आप आ गए OH, OH का मतलब बेस है, ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम अमोनियम व्हिच इज दिस कॉपर है ये, तो यहां पर तो यहां क्या रहेगा इनसॉल्युबल, अगर अमोनियम होता तो सॉल्युबल हो जाता। फिर आ गया बेरियम क्लोराइड, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, दिस इज नॉट आगा नॉट पप्पू देयरफॉर सॉल्युबल। फिर आ गया बेरिलियम कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, दैट इज व्हाई दिस इज इनसॉल्युबल। फिर आ गया कॉपर सल्फेट, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, काबा पप्पू है कुबू पप्पू नहीं है इसलिए ये सॉल्युबल है। फिर आ गया सोडियम सॉल्युबल, फिर आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का कोई रूल नहीं है, ऑक्साइड क्या होती है बेस एंड ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल।
एक्सेप्ट सोडियम पोटासियम अमोनियम, तो दिस इज ऑल्सो इनसॉल्युबल। फिर आगे WO3 टंगस्टन ऑक्साइड, अगेन बेस है और बेस सारी की सारी क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है सिवाय सुप्रीम आइंस के, तो दिस इज ऑल्सो इनसॉल्युबल। फिर आ गया निकल सल्फेट NiSO4, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, दिस इज नॉट काबा पप्पू, देयरफॉर सॉल्युबल। ठीक हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आप इसमें मिस्टेक ना करें। क्यों? कि वंस यू डिसाइड कि द सॉल्ट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, फिर सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन का तरीका डिफरेंट है और इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन का तरीका डिफरेंट है। That is why, अगर आपने डिसीजन ही गलत लिया तो आपका मेथड ही आगे पूरा गलत हो जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी चार्ट। अब हेडिंग बना लेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की। अब हेडिंग बना लेंगे बेटा प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट की हेडिंग बना लीजिए कि अगर सॉल्ट को लैब में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जी बेटा, प्रैक्टिकली नॉट एट ऑल। चले सर, वैसे रिक्वेस्ट करें तो नहीं, वो लैब वाले तो बंदे आ रहे हैं, वो करा देंगे। लिसन वेरी केयरफुली बेटा, बेटा सॉल्ट को लैब में, अगर किसी भी सॉल्ट को, सॉल्टी कंपाउंड को लैब में बच्चों प्रिपेयर करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि सॉल्युबल सॉल्ट को बनाने का मेथड बिल्कुल अलग होता है और इनसॉल्युबल सॉल्ट का मेथड बिल्कुल ही अलग होता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाने का एक ही तरीका है लैब में, इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाने का एक ही मेथड होता है और इस मेथड का नाम होता है प्रेसिपिटेशन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज पीपीटी मेथड। पीपीटी स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेशन। इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो मैं कह रहा हूं कि भाई सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अच्छे से पता होनी चाहिए, उसका रीजन ये है कि वंस यू आर नॉट श्योर अबाउट द सॉल्युबिलिटी यू मे चूज द रॉन्ग मेथड। तो अगर कोई सॉल्ट इनसॉल्युबल है, वंस यू डिसाइड कि यार इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसको बनाने के लिए एक ही मेथड है, दैट इज प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड, जबकि सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने के लिए, वंस यू डिसाइड कि सॉल्ट सॉल्युबल है बेटा, तो सॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के लिए दो मेथड्स। फिर सुन लेना क्या कहा मैंने, वंस यू डिसाइड। अच्छा, मैं ये मेथड डिटेल में पूरे लिखवाऊंगा एटीपी के साथ, ठीक है ना, पूरे पूरे एक एक एग्जाम्पल पूरा बनवाऊंगा ताकि आंसर तुम्हें एक फॉर्मुलेट होकर मिल जाए कि कैसे लिखना होता है 7 नंबर का आंसर। लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं मेथड का नाम, और अभी और डिटेल दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह अगले सेशन में, अभी सिर्फ मेथड्स को याद रखो क्योंकि अगले सेशन की डिटेल के लिए ये नाम याद रखना जरूरी है। ऑल इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर ओनली प्रिपेयर्ड बाय वन सिंगल मेथड व्हिच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन मेथड। हाउएवर इफ अ सॉल्ट इज सॉल्युबल देन वी हैव टू ऑप्शंस। नंबर वन द मेथड कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। बुशरा समझ तो नहीं आ रहा ना बेटा? बुशरा, द मेथड कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। बुशरा है या मरमरा गई है? चलो मरमरा गई है मेरे ख्याल है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या है बेटा? क्रिस्टलाइजेशन। और दूसरा मेथड है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, फिर सुन लीजिएगा क्या कहा मैंने कि बेटा सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, डिपेंड करता है किस पर, कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल है मेरी जान के टोटे, तो उसको बनाने का एक ही तरीका है, विच इज प्रेसिपिटेशन मेथड। गोबर दिमाग, प्रेसिपिटेशन मेथड। और अगर सॉल्ट सॉल्युबल है तो क्या मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन या टाइट्रेशन। सवाल पैदा होगा, सर क्रिस्टलाइजेशन कब करेंगे, टाइट्रेशन कब करेंगे, आए उसका भी हल ले लेते बेटा। अगर सॉल्ट सोडियम पोटेशियम या अमोनियम का है तो टाइट्रेशन, और बाकी कोई और है तो क्रिस्टलाइजेशन।
कितना आसान हो गया। फिर सुन लीजिए, अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल है फिर तो एक ही तरीका है प्रेसिपिटेशन, लेकिन अगर सॉल्ट सॉल्युबल है तो फिर दो ऑप्शंस है, टाइट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो अब अगर सोडियम पोटेशियम या अमोनियम का सॉल्ट है तो फिर टाइट्रेशन के थ्रू बनेगा, वरना इसके अलावा कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट है, कॉपर है, सल्फेट है, या कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट है, फिर क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू बनेगा। और इसका लॉजिक भी तुम्हें समझ आएगा जब मैं मेथड दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा है, लेकिन अभी के लिए उसको दूर दफा करते हैं। तो मेरे बच्चे, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी और प्रिपरेशन का ये फ्लो चार्ट है कि अगर सॉल्ट के बारे में आपने डिसाइड किया कि वो इनसॉल्युबल है, द ओनली वन मेथड इज प्रेसिपिटेशन। अगर सॉल्ट सॉल्युबल है तो फिर दो दो मेथड्स हैं, नंबर वन क्रिस्टलाइजेशन, नंबर टू टाइट्रेशन। सोडियम पोटेशियम अमोनियम के लिए वी फॉलो टाइट्रेशन, एंड बाकी तमाम सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए क्रिस्टल। इज दैट क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला यहां से कुछ डिटेल्स और लेंगे और अगली क्लास में तुम्हें समझाऊंगा इस चैप्टर का, हाउ टू राइट आयोनिक इक्वेशन। ये बहुत एग्जाम में बच्चों को मुश्किल लगता है कि एग्जाम में आ जाता है आयोनिक इक्वेशन लिख के दिखाएं इसकी, तो वो लिखेंगे क्या करेंगे, समझ आ गई बात? जी अबे लल्लू, सॉल्युबल सॉल्ट पे दो मेथड थे, क्रिस्टलाइजेशन, टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन का मेथड उस वक्त यूज होगा जब सॉल्ट सोडियम पोटेशियम अमोनियम का हो,